मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले, अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ, भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं। हाँ आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप कौन है? जय भीम। भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं, वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से वो चुनकर सदन में गए हैं, जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसका कत्ल होता है, उसके शव को कचरे की तरह जलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मानवता शर्मसार होती है, उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती हैं, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ना प्रधानमंत्री को उस पीड़िता की चीखें सुनाई देती हैं, ना उसके परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। कब तक आप चुप रहेंगे प्रधानमंत्री जी? आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी चुप्पी बेटियों के लिए खतरा है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको न्याय करना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए।